मोजोरोला, मोटोरोला का चीज बनता है, मोजोरोला ही तो बोलते हैं, MOZO PAPOU। गुड मॉर्निंग, आज है 15 नवंबर, दिन है वेडनेसडे एंड नीचे हमारा कोई इंतजार कर रहा है। ये हमारे हैदर और काशिफ भाई हैं जो कि बहुत सारा लेकर आए हैं कैटलॉग। ये कैटलॉग है हमारे सोफे का। बेसिकली ये जो पुराना सोफा पड़ा है हमारे पास, इस सोफे को हम लोग ने रेनोवेट कराने का सोचा है। इतना बड़ा है, किसी काम तो आ नहीं रहा, तो हम लोग इसका मटेरियल बदलवाएंगे, थोड़ा सा शेप भी बदलवाना पड़ेगा इन अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव। जो हम लोगों ने कल थोड़ा डिस्कस किया था, ये जो आपको पिलर दिख रहा है और ये जो पिलर दिख रहा है, हम चाह रहे हैं कि हमारा सोफा इतने, अभी तो बहुत बड़ा है, अभी आप देख सकते हो यहाँ से पूरा घूम रहा है, हम चाह रहे कि ये पूरा हिस्सा वहां चिपक जाए उस पिलर के अगले हिस्से तक, और यहाँ पर ये जो अगला हिस्सा है इसके अगले हिस्से से यहाँ पर सोफा खत्म हो जाए, क्योंकि जो इसके कॉर्नर की जगह है और इसके सिमेट्री में ये जो कॉर्नर की जगह है, इसमें हम कुछ सिमिलर कुछ बनवाएंगे। तो सोफा हम चाह रहे हैं यहाँ पर खत्म हो जाए, इससे जो कर्टन खोलने बंद करने का भी जो हमारा सिस्टम है वो थोड़ा खुल जाएगा, नहीं तो अभी सोफा चिपक जाए तो कर्टन में दिक्कत आती है। ये हिस्सा यहाँ चिपकेगा ना, यहाँ पे हमने एक पार्टीशन सोचा हुआ है, वो पार्टीशन आएगा यहाँ तक। एक तो सोफा यहाँ पे खत्म करना है हमें, यहाँ पर इस स्टाइल से यहाँ तक एक्सीड हो रहा है, ठीक है। पार्टीशन बहुत लंबा हो जाएगा तो ये जो पैसेज वे है हमारे पास, ये पैसेज वे हमारा खत्म हो जाएगा, वो हम नहीं चाहते। तो वहां से पार्टीशन आएगा 6 फिट का शायद होगा, ठीक है, वो आके इस लाइन पर आकर खत्म हो जाना चाहिए, तो सोफा भी यहाँ पर आकर खत्म हो जाना चाहिए। ये वाला जो हिस्सा है इस लाइन से आके यहाँ कम में इस वाली लाइन पर आके खत्म हो जाए, हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये दरवाजा है, इसके खोलने बंद करने में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाला जो कॉर्नर पीस है हमारे पास, ऐसा ही एक कॉर्नर पीस हमें वहां भी चाहिए होगा, वहां देख सकते हो वहां पे तो हमने मतलब कैसे भी लगा रखा है इसको, ऐसा यू शेप जैसा यहाँ पर बना है वैसा ही यू शेप हमें वहां पर चाहिए। सोफा पूरा वहां से चलेगा, घूमेगा, ऐसे चलेगा, घूमेगा, यहाँ पर आएगा। ये सेंटर टेबल हमारी, प्रैक्टिकली देखा जाए तो सेंटर टेबल सोफे से बहुत दूर है। मुझे अगर खाना है तो मैं बैठ के ऐसे ऐसे करके मेरे को करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा वो मैं नहीं चाहता हूँ। ये बनाया था ना जो बीच बीच में हत्ते बनाए हमने सारे, इन हत्तों से फायदा ये हो गया कि खाना रखना है अगर तो खाना रखने के लिए बगल में एटलीस्ट कुछ तो है लकड़ी का, एक वो है, आप उस पे रख रहे हो। सोफे में ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि आप अगर किसी को कुछ चाय पानी आप सर्व कर रहे हो तो चाय पानी आप टेबल पे रख दोगे, लेकिन टेबल से जब वो उठेगा तो इंसान के पास अपने हाथ में रखने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं बच गया। थोड़ा सा सोल्यूशन का देखो कि क्या किया जा सकता है, ये तो बात होगी मॉडिफिकेशन की। ये छोटा हो जाएगा ना तो फिर ये टेबल के नजदीक आ जाएगा सोफा, तो ये सोफा आपका सही टेबल आपके दोनों तरफ नजदीक आ जाएगी, तीनों साइड, फिर जरूरत नहीं है। इसको फट्टे का सिस्टम हटा के अगर हम यहाँ पर लकड़ी का एक पूरा एक वो बना के गोला बना के कांच उस पे लगा दें, पूरा फैब्रिक का बना दे जो आजकल चल रहा है। तो फैब्रिक का बनाने में सिर्फ ये दिक्कत है कि उस पे कभी खुदा ना खास्ता पानी गिर गया तो पानी सूख जाता है, लेकिन चाय गिर गई या कुछ भी ऐसा गिर गया तब तो फिर खत्म है सोफा। अब हम लोग कैटलॉग्स में से कलर्स और डिजाइन चूज कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन का सारा काम हो गया। मुझे नहीं पता नानू मैं कितनी सही हूँ। आप बहुत सही हो मम्मी, आप पैदा ही सही हुई थी, एकदम कमाल की हो। कुछ ऐसा लेने का मछली के अंडे की खिचड़ी है, इसको बोलते हैं कैवियर। नहीं नहीं, इसको बोलते हैं साबुदाने की खिचड़ी। साबुदाना बनाए हो और हम खा रहे हैं कॉर्नफ्लेक्स, बैक टू कॉर्नफ्लेक्स, क्योंकि जुकाम नहीं है। और ये इन्होंने बनाया पोहा, पता नहीं क्यों बनाया पोहा, पता नहीं क्यों बनाया पोहा, पता नहीं क्यों बनाया पोहा। ये लीजिए भैया एडवांस, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ काम करके हमें अच्छा लगा। कैश गिनो, जल्दी गिनो, गिन के लेना चाहिए हमेशा। ला भैया, बहुत जरूरी है प्रचार एवं प्रसार। कहाँ गए हमारा चैनल, हम कभी कभी अपने चैनल का ही स्पेलिंग भूल जाते हैं। अरे इनको सब्सक्राइब करो और इनका बेल नोटिफिकेशन बजा दो टना टन। ओके जी, कल से काम शुरू, मिलते हैं। ऐसे पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब कराना पड़ता है, आप लोग तो करते नहीं हो। अभी भी मैंने आंकड़ा देखा था, 50% लोगों ने किया है, 50% ने नहीं किया है, देख के भाग जाते हो। गुड मॉर्निंग आदित्य, आई हैव गिवन यू द डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द इवेंट। आई हैव ऑल्सो शेयर्ड विद यू अ रफ ब्रोशर, इसमें आपको कथकनाट्यम के बारे में रजनी और मेरा छोटा राइटअप और अभिव्यक्ति के बारे में व्हाटएवर द डिटेल्स यू रीड वो इसमें है। हेक्स कलर्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। अभिव्यक्ति की जो फोटो शूट हुई थी उसकी कुछ पिक्चर्स मैं आपको अभी थोड़ी देर में देता हूँ, दे आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर सम स्पॉन्सरशिप लोगोस, तो जैसे ही वो आ जाते हैं वो भी मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। सो आदित्य इज डिजाइनिंग द पासिस एंड द इन्विटेशन फॉर अभिव्यक्ति एंड ही आस्क्ड मी फॉर द डिटेल्स ऑन 6th of November, मैं अभी तक नहीं दे पाए उसको। आई एम बिकमिंग वेरी इनएफिशिएंट डे बाय डे। हाथ धोते रहते हो, कॉफी पिला दो यार। आपके लिए कॉफी, भाभी के चाय। बाय यार, थैंक यू सो मच महादेव। आई एम सो ऑब्लाइज्ड दैट यू हैव गिवन मी कॉफी, आई एम सो हैप्पी।
तो अभी व्यक्ति की कॉस्ट्यूम्स का एक सेट आया है अभी, एंड रजनी ने एकदम से बोला 68,400 निकाल के दे दीजिए। वो बंदा ऑलरेडी मेट्रो स्टेशन पे वेट कर रहा है, एंड अब मैं जा रहा हूँ टू गेट द मनी। मैंने इनको बोला आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे, इतनी देर से सो रही है। अब जब बंदा मेट्रो स्टेशन पहुंच चुका है ऑलरेडी, वहाँ खड़ा है, वहां से फोन करे कि मैं खड़ा हूँ, अब मुझे इन्होंने बोला है आपको मैंने 68,500 दे दिए, आपने मुझे कॉस्ट्यूम दे दी। कैसे काउंट कराओगे? तो पूरा पैक्ड है, हम लोग घर पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसकी, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू भैया, आराम से जाइएगा। चलो भाई ये काम भी हो गया। इतने पैसों में 500 रुपए की कुछ खास वैल्यू नहीं थी, बट उसने पूरा का पूरा पैसा गिना और गिन के मुझे ये उसने वापस किया। आई हैड नो मीन्स टू फाइंड आउट कि उसमें 500 रुपए ज्यादा थे, बट वो उसकी ऑनेस्टी है। इस जीवन में ऑनेस्टी रियली गोज अ लॉन्ग वे। इसलिए दुनिया कितनी भी कपटी हो, आप ईमानदार रहें। गुल के लिए इतने सारे पकौड़े बना रही थी, मिर्च के पकौड़े, पनीर के पकौड़े, प्याज के पकौड़े और आलू के पकौड़े, फिर और गुल से पूछा ही नहीं। अब गुल गुड़गांव में मस्ती कर रही है, तो बोली मैं तो कल खाऊंगी। हे भगवान, अब ये सारी प्रिपरेशन मेरी जीरो हो गई, अब कल बनेंगे पकौड़े। आपने पकौड़ा ही कैंसिल कर दिया? नहीं, थोड़ा बहुत बनाना चाहिए इसको हम लोग के लिए। बताओ ये तो नुकसान हो गया। आप क्या चबा रहे हो बैठ के? मसाले वाला नमक पारा। आए हाय, मुझे उतना पसंद नहीं मसाले वाला नमक पारा। मुझे भी प्लेन पसंद है, लेकिन यही मेरे सामने था, मैंने खा लिया। वेरी गुड, ये हुई ना बात। पटाखे देखो कैसे फूट रहे हैं। और निकू शिवरिंग कर रही थी इतनी, और मंदिर के बाहर तो अरदास लेके बैठी थी वो कि मुझे बाहर निकालो, मुझे घर में रहना है। निकालना पड़ा उसको। जो हमारी निगू है उनकी मेंटल स्थिति ये है कि उनको ऐसा लगता है कि घर सेफ नहीं है जब ये पटाखे बाहर फूटते हैं, उनको लगता है बाहर सेफ है, तो वो बाहर चली जाती हैं। कभी कभी एक एक दो दो दिन बाद वापस आती हैं। अ स्ट्रे डॉग विल ऑलवेज रिमेन अ स्ट्रे डॉग। ये गुल आंटी के नसीब के पकौड़े जो हमें मिले। पापा कैसा रहा आपका रिहर्सल कल के शो का? मतलब ठीक हो गया, आया पकड़ में, आया तो जाएगा, निभ जाएगा। अब देखो ऐसा है, आज मैं बहुत ज्यादा फन मूड में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस फन मूड का हिस्सा बने, आप भी बने। तो कोई भी ऐसे टीवी चला के मैच वैच ना चले। तो जान पे बनी हुई, पूरा इंडिया लगा पड़ा है ना। तो क्या है, इंडिया ने 390-400 रन के आसपास बनाए हैं, यहाँ पे 109 पे दो ऑलरेडी आउट हो चुके न्यूजीलैंड के। जीतेगी इंडिया, जीतेगी। आउट दे दो, आउट दे दो, आउट दे दो, बाहर है, ए लगा, आउट दो, दे दो आउट, दे दो, दे दो, दे दो यार, इतना क्या वेट कर रहे हो, दे दो आउट, दो आउट, दो आउट, दो आउट, दो आउट, दो आउट, दो। हाँ तो ऐसे नहीं कर सकते यार, इंटरनेशनल क्रिकेट है, पर आउट दे दो। देखो लाल बत्ती वो क्रीज से बहुत बाहर है भाई, इतना कोई डाउट ही नहीं है। 25 बार क्यों देख रहे हो? जल्दी दो, दे दो, कितनी बार देखोगे यार, हो गया है, देखो बाहर है। अरे पापा हटो हटो हटो, पापा स्लो मोशन में। अरे दे दो आउट भैया, 25 मिनट हो चुका है, एंड डिसीजन पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग, नॉट आउट। ले हाथ से स्टम्प्स गिरा। कौन से चीज का बनता है मम्मी? मोज़ारेला बोल रहा है तू, इसका बनाएगा पिज्जा? किसका? मोज़ारेला। मोटोरोला का चीज बनता है? मोज़ारेला ही तो बोलते हैं। हाँ मोटोरोला का बनता है पिज्जा। MOZO PWU मोज़ारेला, मोज़ारेला ज्यादा स्टाइल में बोलो तो मोज़ारेला भी हो जाता है, जैसे पिज्जा हो जाता है वैसे मोज़ारेला भी हो जाता है। भाई ब्रेड पिज्जा खिला दो आज बस। 365 दिन 24 घंटा 7 दिन 365 दिन 24 घंटा तीनों प्रहर पिज्जा खा सकते हैं। ए भाई तुम आज के दिन में दोगे डिनर? 9:45 बज रहा है, तो मैं क्या करूँ? 9:45 बजे तो मैं क्या करूँ? गुंदरुक बनाओ, भटमास बनाओ, तामा बनाओ, शाकाहारी घर में ज्यादा अंडा अंडा मत करो। ये कम से कम 15 साल पुराना LG का नायाब माइक्रोवेव है हमारा। ये नया हमारा IFB का माइक्रोवेव ओवन है जो यूज नहीं होता है, बस रखा रहता है, क्योंकि जब तक है जान तब तक हम यूज करेंगे LG का पुराना माइक्रोवेव। ये आपका मोज़ारेला चीज का पिज्जा आ गया, कैसा है? मोज़ारेला। So it's the end of another day, and I really hope you liked the vlog, and if you did, do subscribe to my channel, follow me on Instagram, and don't forget to hit the bell icon, and as always stay safe, stay positive, and I'll see you in the next one. Eagles of the light.